हेलो बच्चों, मैं के कर्मा। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल के फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, टॉपिक इक्विलिब्रियम। बेसिक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम दो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की मीनिंग है यहाँ पर कि पर्टिकुलर उस सिस्टम में किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स हो, अगर वो जीरो हो तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। और अगर हम बात करें उस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं, अगर सब पर नेट फोर्स जीरो है तो इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो चलिए बेटा, समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम है क्या। एक एग्जांपल लेता हूँ और पूरी बात समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये बेटा दो चार्ज दिए गए हैं जो फिक्स्ड हैं, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है बेटा वो है एल। अब हमें समझना है कि इसमें कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब अगर हमें पता लगाना है कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, तो हमें ये देखना होगा कि नेट फोर्स जहाँ जीरो है वही पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एक्सिस बना लेते हैं। सपोज़ ये एक्सिस है हमारे पास, देखिए ये एक्सिस है। हम यहाँ पर थ्री पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं सपोज बेटा ये पॉइंट आपका ए है, और ये आपके पास पॉइंट आपके पास बी है, और ये पॉइंट आपके पास क्या है बेटा सी है। थ्री पॉइंट हमने ले लिए। अब हम बारी बारी से देखेंगे किस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर हमें पता चल गया कि जहाँ पर नेट फोर्स क्या है जीरो है, वही पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ए पॉइंट पर हम एक चार्ज ला के रख देते हैं। जिस चार्ज को ला के रखेंगे उसे हम नाम देंगे थर्ड चार्ज, क्योंकि अगर इसे हम फर्स्ट चार्ज कहेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा सेकेंड। चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट है और ये चार्ज बेटा कौन सा है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम चार्ज ला के रख रहे हैं थर्ड चार्ज। ओके, ये थर्ड चार्ज है, ठीक है। इसको चलो नाम दे देते हैं कि ये हमारा कौन सा चार्ज है बेटा, थर्ड चार्ज है। ओके, क्लियर। अब देखिए कूलम्स लॉ हम लोग वास्तव में पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। पहले तो ये फोर्स लगाएगा टू वाला, और एक फोर्स कौन लगाएगा फर्स्ट। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला फोर्स किधर लगाएगा। यहाँ पर पहला फोर्स जो है ये एफ वन, वो लग रहा है Q1 की वजह से। अब Q2 की वजह से ज़रा देखते हैं, ये भी बाहर की तरफ लगेगा, तो ये आपका क्या हो गया F2। अब ज़रा सोचिए, इस केस में कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, मतलब अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो हमें ऐड ही होंगे, तो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ बेटा कि जो नेट फोर्स है इस केस में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्लियर। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में ऐसे केस में इक्विलिब्रियम हमें मिल नहीं सकता। चलिए लेफ्ट साइड में देखते हैं कि क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम वही काम फिर से करते हैं, यही थर्ड चार्ज ला के यहाँ रख देते हैं। तो जब ओके यहाँ रख दिया हमने, सबसे पहले हम वन के जरिए फोर्स देखते हैं क्या होगा। तो वन के जरिए जो फोर्स लगेगा वो आपका एफ वन। टू के जरिए देखते हैं क्या होगा, ये भी आपका बेटा फोर्स इधर ही लगेगा। आप शायद समझ गए सभी लोग कि इस केस में भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्लियर है। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। चलिए बीच में चेक कर लेते हैं, सी पॉइंट पर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर एक हम चार्ज वही सेम टू सेम चार्ज रख देते हैं, मतलब इसी चार्ज को बारी बारी से मैं रख रहा हूँ, एक बार ए पर, एक बार बी पर, और एक बार सी पर। तो चलिए देखते हैं सी पे क्या होगा। तो पहले फर्स्ट के जरिए देखते हैं, देखो फर्स्ट क्या करेगा, इधर को फोर्स लगाएगा रिपल्सन। ओके, और टू वाला इधर को चार्ज फोर्स लगाएगा। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस केस में जो आपका बेटा नेट फोर्स होगा आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्लियर। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया है कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, अगर सिस्टम में दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा उनके बीच में कहीं पाया जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो मिड पॉइंट पर होगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू ग्रेटर या कोई वैल्यू कम है तो हमेशा इक्विलिब्रियम कम वाले के पास या कि लेस वैल्यू के पास पाया जाएगा। बट इस केस में कभी भी राइट या लेफ्ट में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, जिसको हम पॉइंट के जरिए अभी समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए इक्विलिब्रियम का पता चल चुका। तो इक्विलिब्रियम बेसिक है क्या, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम है क्या, तो आप ये समझ गए हैं कि जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा उसी को आप नाम लेंगे इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम दो बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम की मीनिंग क्या है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की मीनिंग है कि पर्टिकुलर किसी चार्ज पर अगर नेट फोर्स जीरो हो तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। अगर उस सिस्टम में हर एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम।
इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज मीन्स डैट नेट फोर्स ऑन पर्टिकुलर चार्ज इज जीरो, बट इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम मीन्स द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो। ओके, दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो कभी थर्ड चार्ज के नेचर व मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। इक्विलिब्रियम इज नो इफेक्टेड बाई नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। ओके, तो एक डायग्राम के जरिए सारी बात को क्लियर करते हैं। शायद आप समझ चुके हैं इक्विलिब्रियम कैसे बनाया जाता है। केवल आपको एक काम करना है, जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा वही इक्विलिब्रियम होगा, और जहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा उसे इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। तो पहला रिजल्ट निकल के आ गया, अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो उस केस में हमेशा इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में ही कहीं पाया जाएगा। तो इसका दूसरा रिजल्ट समझ लेते हैं कि अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो इक्विलिब्रियम हमेशा बाहर होगा, या तो राइट साइड में होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा, बट उसके पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्लियर? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं और फिर एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की क्या मीनिंग है। तो चलिए पॉइंट को समझ लेते हैं कि क्या दिया गया है कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज मीन्स दैट द नेट फोर्स ऑन पर्टिकुलर चार्ज इज जीरो, बट इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम मीन्स द नेट चार्ज ऑफ ईच चार्ज इज जीरो। ओके, नोट कर लें क्या मतलब अभी हम लोगों ने बात की थी। देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कहा जाए तो पर्टिकुलर उस चार्ज पे अगर फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, और अगर ये कहा जाए कि उस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उन पर नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजिशन क्या होगी, क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। नीट या जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं कि फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो चलिए समझते हैं एग्जांपल के जरिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल बनाते हैं और उसके जरिए समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला, ये एक चार्ज दिया गया सेट, दूसरा ये दिया गया। देखिए कई सेट बना लेते हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं सपोज एल। ये देखिए सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे चार्ज रखे हुए हैं, ये है आपका एल। ओके, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू चार्ज दे दिया। एक हमने ले लिया प्लस क्यू और एक ले लिया प्लस फोर क्यू, और एक दे दिया हमने प्लस क्यू और एक माइनस फोर क्यू। ओके, अब दो सेट हमारे पास हैं, ये थ्री एग्जांपल्स हमने ले लिए, एग्जाम्पल्स वन, एग्जाम्पल नंबर टू और एग्जाम्पल नंबर थ्री। अभी हम लोगों ने एक केस देखा था कि अगर सेम नेचर हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ होगा, दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो इसका सीधी मीनिंग है कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो हमेशा मिड पॉइंट पर पाया जाएगा। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम होगा जिसे हम नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट भी बोलेंगे, नल पॉइंट जो होगा बेटा कहाँ पर होगा, वो एल बाई टू और एल बाई टू पे होगा। क्लियर? नेचर तो सेम है बट एक का मैग्नीट्यूड कम है और दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम हमेशा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास लीजिएगा। तो ये यहाँ ले लेना कि लेट ये स्मॉल चार्ज से जो डिस्टेंस हमने कितना ले ली बेटा x, तो जो रेस्ट बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, l माइनस एक्स। ओके, इस तरीके से आप यूज़ करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ये, देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है कि एक प्लस क्या है बेटा और एक माइनस का। तो देखिए एक पॉइंट बदल चुका, अभी हम लोगों ने बात कही थी कि अगर सेम नेचर होगा तभी बीच में होगा, लेकिन अगर अपोजिट नेचर होंगे तो बाहर होगा। बाहर मतलब राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, बट हमेशा उसी के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं
ऐसे एक्सिस को हम थोड़ा सा और ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए ये प्लस फोर, ये प्लस क्यू है और ये प्लस फोर है, इसका मतलब है हमें उसके पास लेना जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। प्लस माइनस से मतलब नहीं है। देखिए ये क्यू और ये फोर क्यू, इसका मतलब हमें इस साइड में लेना है। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा बेटा। तो चार्ज से डिस्टेंस लिया जाता है, तो चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स होगी, और यहीं से जो दूसरी डिस्टेंस हम लेंगे चार्ज की वो बेटा क्या होगी, एल प्लस एक्स। ओके, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर वन पहले सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर वन में कई क्वेश्चन हमने लिए। पहला एग्जांपल कि सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, जिसमें देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है। हमने इसमें दो केस किए हैं, चार्ज को भी ले रहे हैं साथ में करंट एलिमेंट को भी ले रहे हैं। अगर बाय चांस करंट के बारे में बात होगी तो हम एक साथ दो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों का नेचर भी सेम हो। देखो मैग्नीट्यूड सेम और नेचर मतलब डायरेक्शन, इस केस में डायरेक्शन देखते हैं और इस केस में नेचर देखेंगे। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, मतलब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट नेचर के अपोजिट। इस केस में भी देखो करंट के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, मतलब देखिए यहाँ पर नेचर तो सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, डिफरेंट। यहाँ पर भी देखो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है बट करंट के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिफरेंट है। और अगला केस है कि मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो ही साथ में उनका नेचर भी डिफरेंट हो, या कहीं करंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, उस केस में हमें बताना है पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने यही बताया था कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो नेचर सेम हो तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम होगा वो मिड पॉइंट पर पाया जाएगा। लेकिन अगर नेचर सेम हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो कोई बात नहीं, उस केस में इक्विलिब्रियम उनके बीच में तो होगा बट उसके पास पाया जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। ओके, तो पहले केस में बताइए कहाँ होगा, तो आप कहेंगे मिड पॉइंट पर। इक्विलिब्रियम कहाँ पाया जाएगा बेटा, मिड पॉइंट पर, जीरो एट द सेंटर। ओके, देखिए जीरो एट सेंटर मतलब सेंटर पर इक्विलिब्रियम होगा। नेट फोर्स कहाँ होगा, सेंटर पर। अगर हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ना कह के यहाँ पर ये बात कर देते हैं कि नेट फोर्स होगा कहाँ, जीरो है ना, नेट फोर्स। ओके, तो जीरो एट द सेंटर। ओके, इस केस में जहाँ प्लस और माइनस दोनों हो मैग्नीट्यूड सेम हो, इस केस में कहीं पर भी जीरो बेटा नहीं होगा, जीरो नो वेयर। ओके, कहीं पर भी जीरो नहीं मिलेगा इस केस में भी, हम इसको दिखा देंगे। अगर उनका नेचर सेम हो बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, उसके पास जीरो पाया जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। मतलब ऑन लाइन, लाइन पर तो होगा बेटा, ऑन लाइन नियर द स्मॉलर चार्ज। ओके, और इस केस में जिस केस में नेचर अलग अलग हो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो तो हमेशा आउटसाइड होगा और उसके पास पाया जाएगा बेटा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड नियर द स्मॉलर चार्ज। ओके, चार्ज हमेशा स्मॉलर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो आउटसाइड होगा बट किसके पास, तो अगर हम बात करें किसके पास होगा तो ये इस चार्ज के पास होगा। और इसमें कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें इस जगह पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और अगर हम इसमें देखें तो मिड पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और इसमें कहीं पर भी नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा, आप बाहर की तरफ आएंगे और यहाँ पर कहीं पर आप न्यूट्रल पॉइंट लेंगे, तो इस केस में ऐसा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आप करंट के केस में भी ले सकते हैं। करंट वाले केस में न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो बीचों बीच में होगा, मिड पॉइंट पर होगा। इस केस कहीं पर भी नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, इसके पास पाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ रहेगा न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, और साथ में हम देखेंगे जो थर्ड चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका नेचर क्या होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए फाइंड आउट लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सच डैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम।
ये डायग्राम बना देते हैं पहले। देखिए ये प्लस क्यू और ये प्लस फोर क्यू, और बेटा बीच की डिस्टेंस है वो एल है। ओके, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो थर्ड चार्ज होगा उसे कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम की मीनिंग है कि उस पर जो नेट फोर्स हो वो बेटा क्या हो, जीरो हो। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, उसके जरिए समझा कि अगर नेचर सेम होगा, सब लोग ये बात याद कर लीजिए कि अगर नेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम हमेशा उन दोनों चार्जों के बीच में कहीं लाइन पर पाया जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो हमेशा इक्विलिब्रियम उसके पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्लियर? तो देखिए हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, सवाल है मुझसे। तो थर्ड चार्ज को हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम रख रहे हैं उसके पास जिसका मैग्नीट्यूड कम। मान लेते हैं सपोज़ कि यहाँ से हम कितने डिस्टेंस पर रख देते हैं बेटा, एक्स पर रख देते हैं, ये तीसरा चार्ज इसको हमने कैपिटल क्यू कहा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, तो आपको मालूम है एल माइनस एक्स इसकी पोजीशन होगी दूसरे चार्ज से। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम हमें यहीं पर देखना है, तो जरा देखो इसको नंबरिंग कर देते हैं। मान लो सपोज ये वन है और ये टू है, तो इसके जरिए बेटा इस साइड में रिपल्सन लगेगा और इसके जरिए लगेगा बेटा वो इस साइड में लगेगा, इससे हम क्या कहेंगे F2। अब देखिए दोनों अपोजिट नेचर में हैं, तो नेट फोर्स जब हम चार्ज Q पे निकालेंगे तो आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम तभी कहा जाता है जब उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसकी मीनिंग हुआ कि जीरो तभी हो सकते हैं ये लोग जब F1 इक्वल टू किसके हो बेटा, F2 के। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 इक्वल टू F2 हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए F1 क्या है, इन दोनों की वजह से फोर्स है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता था, K Q1 Q2, तो ये Q अपान बीच की डिस्टेंस का होल ऑफ स्क्वायर। अब दूसरा सेट ये ले लेंगे, तो K ये चार्ज Q है बेटा, ओके ये कितना बेटा 4Q और अपान बीच की डिस्टेंस बेटा कितना होगा L माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये K से K कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, तो आपको क्या बचेगा, देखिए साइड में चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वहाँ भेज देते हैं, तो 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान, नीचे क्या बचा बेटा एल माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, इसको रूट कर देते हैं तो 1/4 और ये बनेगा एक्स अपान एल माइनस एक्स। अब आपको मालूम है इसका रूट 1 और इसका रूट बेटा 2 और ये हो जाएगा एक्स अपान एल माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीफिकेशन 2x इक्वल टू एल माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू एल। तो अब आपका रिजल्ट आ चुका है कि अगर हम x निकालें तो x इक्वल टू कितना होगा L बाय 3। यही है लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। तो देखिए हम लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज दो तरीके से लिख सकते हैं, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। ओके, देखिए पहला, ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है बेटा, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली L बाई 3, वो कहाँ से निकाले, स्मॉलर चार्ज से। अगर हम 4q से अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू मिलेगी कैसे, L माइनस एक्स करके, इसका मतलब उसकी वैल्यू होगी 2L/3। तो पहला है पोजिशन, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, कितना बेटा L/3। तो अगर हम निकालते हैं फ्रॉम 4q, तो इस केस में देखिए हमने क्या निकाला है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि L माइनस एक्स से निकलेगा, और अगर हम माइनस करते हैं L/3, तो रिजल्ट बेटा क्या आएगा 2L/3। तो दो आंसर हमारे पास पॉसिबल हैं, या तो एग्जांपल में L/3 दिया होगा या तो आपको दिया होगा 2L/3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर एक तरफ से एक्स है दूसरी तरफ से L-x होगा, इसका मतलब एक तरफ से अगर L/3 है दूसरी तरफ से 2L/3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड पोजिशन एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। व्हेन ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि थर्ड चार्ज की पोजीशन बताइए, उसका नेचर बताइए और उसका मैग्नीट्यूड बताइए जब पूरे सिस्टम में सभी लोग इक्विलिब्रियम में हों। डायग्राम क्या है उसे देख लेते हैं। ये चार्ज दिया गया है एक,
सिस्टम, ये दोनों क्यू क्यू चार्ज के हैं। अब हमको इस केस में पता लगाना है कि कहाँ पर उसकी पोजीशन होगी थर्ड चार्ज की, और उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस बेटा क्या है, एल है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हमेशा मिड पॉइंट पर होगा। तो सपोज़ ये हमने कैपिटल क्यू रख दिया, ये जो डिस्टेंस बेटा होगी वो एल बाई टू होगी, और ये भी आपकी कितनी होगी, एल बाई टू। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि पोजिशन कहें बेटा या लोकेशन कहें, पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज इक्वल टू कितना, एल बाई टू। अब हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, नंबर टू, मैग्नीट्यूड एंड नेचर। ओके, दो चीज़ें हमें और फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे इस केस के लिए, बहुत आराम से समझिएगा। जब कभी भी हमें पोजीशन निकालना हो तो हम जो इक्विलिब्रियम बनाते हैं बेटा थर्ड चार्ज पे बनाएंगे, और मैग्नीट्यूड और नेचर का भी बनाना हो तो फर्स्ट चार्ज पे बनाइए। अब बात उठती है किसे हम फर्स्ट माने किसे सेकंड, तो क्लियर, ये तो थर्ड चार्ज था ही, इसे आप फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं, सपोज़ सेकेंड। ओके, तो मैग्नीट्यूड और नेचर कभी भी फाइंड करना हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ बनाएंगे, फर्स्ट चार्ज पे बनाएंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं, एफ वन इक्वल टू एफ टू दोबारा लिखते हैं। क्लियर, मतलब नेट क्या हो गया फोर्स यहाँ पर, जीरो, यहाँ पे जीरो करना। तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं कि अगर वन पे फोर्स पहले देखें कौन सा लगाएगा, तो बेटा एक कैपिटल क्यू लगाएगा। देखिए फॉर्मूला बेटा क्या होगा, के, ये हो गया बेटा क्या क्यू, और ये आपका हो गया कैपिटल क्यू अपान बीच की डिस्टेंस, तो आप कहेंगे एल बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, बराबर। अब इसी स्मॉल क्यू पे दूसरा वाला चार्ज लगाएगा, ये स्मॉल क्यू जो है, तो ओके देखिए क्या होगा बेटा, क्यू इंटू क्यू अपान यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है एल, तो ये एल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं और रिजल्ट आपको मिल जाएगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसे ओपन कर लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान एल स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू, इधर क्या बचेगा बेटा, क्यू बाई एल स्क्वायर, ये फोर कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो फोर क्यू अपान एल स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्यू इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, स्मॉल क्यू बाई फोर के। मैग्नीट्यूड तो निकल आया बेटा, बट हमें फाइंड करना है क्या नेचर। तो नेचर देखिए कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच वाला नेगेटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बीच वाला पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो पहले ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका नेचर बेटा कैसा होगा, ये होगा बेटा नेचर निगेटिव। ओके, इसका मतलब अगर ऑप्शन दिए हैं इस तरीके के दिए हैं कि क्यू बाई फोर एक दिया है और एक दिया है माइनस क्यू बाई फोर, तो आप कहाँ टिक करने वाले हैं, माइनस क्यू बाई फोर पे। बट अब बात समझनी है कि कैसे समझ में आया कि माइनस ही होना चाहिए, प्लस क्यों नहीं होना चाहिए, तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं अच्छे से और पता चल जाएगा कि माइनस लिया जाए या प्लस लिया जाए। ओके, देखिए बाकी चीज़ रफ कर देते हैं, उसी पॉइंट को रखते हैं जिसे हमें समझना है। ओके, देखिएगा आराम से समझिएगा, यहाँ पर ये साइन में हटा देता हूँ। अब देखिए, मान लेते हमने इसमें नेगेटिव मान लिया था, सपोज़ आप इसे मान लें कि ये प्लस का ही था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम बनाना, मैंने आपसे कहा था कहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाओगे, फर्स्ट पे। जब भी कभी मैग्नीट्यूड या नेचर निकालना हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा फर्स्ट पर बनाएंगे। क्लियर, चलिए यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम बनाना है। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स यहाँ जीरो करना है, ठीक है। अब अगर हमने इसे प्लस ले लिया, लेट कर लिया कि प्लस है, तो बोलो बेटा ये फोर्स इस पर किधर लगाएगा, इस साइड में लगाएगा, और ये वाला फोर्स भी उसी साइड में लगाएगा। ज़रा सोचिए कि इस केस में कभी भी फोर्स जीरो हो सकता है क्या, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। अब अगर इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बेटा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो चेक करते हैं। देखिए वन वाला फोर्स अब इधर को बजाय इधर लगने लगेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये आएगा, इस केस में नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने बात कही कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर, कभी भी नेचर पूछे तो आप देख लीजिए सिस्टम में दोनों चार्ज कैसे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं।
अब देखिए बेटा, क्वेश्चन तो वही रहेगा कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज व्हेन द ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। बट हम क्वेश्चन में सिस्टम को चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो लिया था वो क्यू क्यू लिया था, उससे पहले हमने एक क्यू लिया था, एक फोर क्यू लिया था। एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। मान लो सपोज ये आपको दे रखा है बेटा प्लस सी, और ये आपको दे रखा है प्लस नाइन ई, ओके। और बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी गई है, एल। हमें तीनों चीज़ें निकालनी है, एक तो पोजीशन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है एंड नेचर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन निकालेंगे। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करें, थर्ड चार्ज को लाया जाए, कहीं रखा जाए। तो आपको अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों का नेचर सेम हो तो इसी के बीच में कहीं होगा, बट उसके पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्लियर? तो चलिए बनाते हैं, इसके पास मान लेते हैं ये है, यहाँ से बेटा यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हम ले लेंगे, एक्स, और ये कैपिटल क्यू, ओके। तो ये बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, एल माइनस एक्स होगा। क्लियर? तो ये हो गया एफ वन इक्वल टू एफ टू। चलिए वैल्यू सॉल्व करते हैं। पहले इनके बीच में फोर्स देखेंगे, तो बेटा के इंटू ई इंटू क्यू अपान बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। फिर इनके बीच देखेंगे क्या होगा, के क्यू इंटू नाइन ई अपान बीच की डिस्टेंस मतलब एल माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। के से के कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू। ये एक्स स्क्वायर ऊपर भेज देते हैं, नाइन नीचे ले आते हैं, तो वन बाई नाइन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एल माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए साइड में सॉल्व करते हैं। अब स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, तो बनेगा क्या, वन बाई नाइन इक्वल टू एक्स बाई एल माइनस एक्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन बाई थ्री एक्स अपान एल माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थ्री एक्स इक्वल टू एल माइनस एक्स। या इधर जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा फोर एक्स इक्वल टू एल, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई फोर। तो देखिए ये निकल के आ गया पोजीशन, या कहिए लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, इसे नोट कर लीजिए। और फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, मैग्नीट्यूड एंड नेचर की। अब बात करिए, अगर नेचर की बात करें तो क्लियर है थर्ड चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो तीसरा जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेचर तो समझ में आ चुका है, बट अगर हमें फाइंड करना है क्या, मैग्नीट्यूड, ओके। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ, निकालता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, ओके। अब निकालते हैं सेकेंड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, ओके। आप थर्ड चार्ज कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कहाँ बनाओगे बेटा, फर्स्ट चार्ज पे बनाओगे। तो फर्स्ट इसे आप नाम दे दीजिए, और इसे आप कहेंगे सेकंड। तो आप क्या करिए, इक्विलिब्रियम में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एफ वन हमेशा एफ टू के बराबर होगा, तभी नेट रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें फर्स्ट चार्ज पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो पहले चार्ज पर हम बनाएंगे, पहले चार्ज पर एक तो कैपिटल क्यू फोर्स लगाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, के इंटू e इंटू क्यू अपान बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी, एक्स स्क्वायर, ओके, बराबर। अब इसी स्मॉल ई पे नाइन ई भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, k इंटू e इंटू नाइन ई अपान बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है, एल स्क्वायर, ओके। चलिए कुछ सॉल्व कर देते हैं, k से k कैंसिल होगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, q अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन ई अपान एल स्क्वायर। क्लियर? अभी हमारे पास आ चुका, अब हम एक्स के वैल्यू को रख देते हैं। चलिए एक्स के वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो क्यू बाई एक्स के वैल्यू क्या निकल के आई थी, एल बाई फोर का होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा नाइन ई अपान एल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सिक्सटीन क्यू बाई एल स्क्वायर इक्वल टू नाइन ई बाई एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल क्यू इक्वल टू आएगा नाइन ई बाई सिक्सटीन। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। नेचर पता है कि अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, तो इसमें नेचर कैसा होगा, इसे लिख देता हूँ निगेटिव, ओके। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, पोजीशन एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज व्हेन ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि हाउ मेनी पॉसिबल पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम। कहा गया है कि तीसरे चार्ज की कितनी पॉसिबल पोजीशन होगी जिसमें वो इक्विलिब्रियम में होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा या फोर होगा, तब हमें पता लगाना है कि कितनी पॉसिबल पोजीशन हो सकते हैं। चलिए दो एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि ऑप्शन एक सही है, दो सही है, थ्री सही है, फोर सही है। देखिए पहला एग्जांपल,
ये एक हम सिस्टम ले लेते हैं, दो चार्ज ले लेते हैं सेम नेचर के, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी कि अगर दोनों के नेचर सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा दोनों के बीच में होगा, बाहर कभी नहीं होगा। लेकिन दोबारा समझ लेते हैं एक बार और अच्छे से कि हमें कोई दिक्कत ना हो, रिवाइज भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि अगर मैं चार्ज को यहाँ तीसरा चार्ज जो थर्ड चार्ज है ये मान लो सपोज बेटा फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है, तो अगर हम इस पर देखेंगे तो फर्स्ट चार्ज किधर को फोर्स लगाएगा बेटा, बाहर की तरफ लगाएगा, और ये भी सेकेंड वाला भी चार्ज बाहर की तरफ लगाएगा, तो इस केस में कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अगर इसे चार्ज को लाकर इधर रख देते हैं, सपोज यहाँ पर लाकर रख देते हैं, तो पहला चार्ज बेटा इधर को फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज भी इधर को ही फोर्स लगाएगा, मतलब इस केस में भी कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ओके, चलिए बीच में बात करते हैं। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा भी था कि अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट की, तो ये इधर को फोर्स करेगा बेटा और ये जो सेकंड वाला इधर को रिपल्सन करेगा, मतलब ये आपके पास है। इस केस में आपको नेट फोर्स बेटा क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब बताइए कितनी बार पोजीशन आपको मिल सकती है, केवल एक ही बार पोजीशन आपको मिलेगी। यहाँ पर ही ये बीच में ही नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा बेटा होगा, फर्स्ट होगा। लेकिन एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या अगले एग्जांपल के जरिए भी पूरी बात क्लियर हो रही है। लेकिन इतना क्लियर है कि फोर ऑप्शन नहीं हो सकता है, टू के बारे में हम सोच सकते थे कि हो सकता कहीं ना कहीं हो जाए, बट हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि टू भी सही नहीं, थ्री भी सही नहीं, फोर नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें क्या होगा, नेचर अपोजिट हों और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो, तो उस केस में देखते हैं क्या वन ही ऑप्शन आएगा, या ऐसा तो नहीं कि दो पोजीशन मिल जाएं या थ्री पोजीशन मिल जाएं। तो चलो चेक करते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि ऑप्शन हमेशा वन ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कितने चार्ज हों, कैसे चार्ज हों, उसने केवल कह दिया कि हाउ मेनी पॉसिबल पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि दोनों के नेचर और मैग्नीट्यूड सेम है तो पोजिशन वन मिलेगी। लेकिन दूसरी बात ये क्लियर कर लेते हैं कि अगर दोनों के नेचर अलग हों, मैग्नीट्यूड भी अलग हों, तो क्या एक ही पोजिशन होगी या कुछ और हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, इसी क्वेश्चन में दूसरे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब देखिए ये दो चार्ज हैं हमारे पास, प्लस क्यू माइनस का फोर क्यू। ओके, अब ये हमारे पास सिस्टम दे दिया गया, हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि वन होगा, टू होगा, या थ्री होगा, या फोर होगा। चलिए पूरी बात फिर से करते हैं। सबसे पहले सेंटर में पता लगाते हैं। अब देखिए पहले अपने पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं कि अगर दोनों अपोजिट नेचर के हुए या मैग्नीट्यूड अलग अलग हुए, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा आउटसाइड होगा और उसके पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो चलिए दोबारा यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या पूरी बात वो सही थी जो हम लोगों ने पहले सीखा है, या कहीं पर कन्फ्यूजन तो नहीं था। तो पहले सबसे पहले बीच में चेक कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। तो इतना क्लियर है कि जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम इस केस में पाया नहीं जा सकता। तो चलिए चेक करते हैं बेटा, ये आपके पास है, मान लो सपोज थर्ड चार्ज हमने रख दिया कहीं इसके पास। अब हम पता लगाते हैं, इस पे देखिए ये फर्स्ट है चार्ज, ये मान लो बेटा सेकंड है, तो देखिए फर्स्ट चार्ज कैसे लगाएगा फोर्स इधर की तरफ, और सेकंड वाला भी अपनी तरफ ही लगाएगा ये F2, दोनों इस सेम डायरेक्शन में लग गए, कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता। ओके, चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर चार्ज को रख देते हैं कैपिटल Q, तो देखिए सबसे पहला काम ये वाला जो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ लगाएगा, ये फोर्स आपका बेटा F2 है, और जो वन वाला फोर्स लगाएगा इधर। इसका मतलब तो साफ साफ दिख रहा है यार कि अपोजिट डायरेक्शन में है, हो सकता है कि यहाँ जीरो हो जाए, बट अभी क्लियर नहीं कि जीरो होगा कि नहीं होगा। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इधर रख देता हूँ कैपिटल क्यू, तो ये फोर्स वन वाला इस साइड में लगाएगा और टू वाला अपनी ओर लगाएगा, मतलब यार ये तो दो जगह हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी जीरो हो सकता है या यहाँ पर भी जीरो हो सकता। लेकिन कन्फर्म कर लेते हैं कि जीरो होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले फोर्स लिखते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इस सेट के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, F1 बराबर F2, और इधर भी हम यही काम करने वाले हैं, F1 इक्वल टू F2। कायदे से सुनिएगा,
इसे बीच वाले को हटा दें जैसे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बीच वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है इस केस में यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर, अब साफ है। अब देखिए इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, पहला तो ये वाला फोर्स लगाएगा, चलिए लिखते हैं बेटा क्या, के क्यू क्यू अपान, अब ये बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं क्या, सपोज एक्स है, ओके, और ये बीच की डिस्टेंस बेटा क्या दी थी, एल दी थी, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो बेटा क्या होगी, एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसका इसके जरिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू इंटू फोर क्यू अपान यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे एल प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ओके, ये जरिए लिख लिया। अब चलिए इसके जरिए बात करते हैं, ये सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके इसके बीच बात होगी, मान लो हम यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं सपोज, ठीक है, तो इनके इनके बीच अगर फोर्स देखो बेटा क्या होगा, के, और ये आपके पास फोर क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर, और ये वाला फोर्स भी इस पर लगाएगा, तो इसकी बात कर लेते हैं के, और ये आपके पास है क्यू क्यू अपान एल प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर, अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, या ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या है स्टोरी यहाँ पर। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, न्यूमरेटर है, तो ये लिखा लिख देते हैं लेस न्यूमरेटर, और नीचे लेस डिनोमिनेटर, ओके, यहां पर देखिए बेटा क्या है, हाई न्यूमरेटर और ये है हाई डिनोमिनेटर, ओके, इसका मतलब क्या है अभी हम बात करेंगे, पहले यहां भी लिख लेते हैं, ऊपर वाला बेटा बड़ा है नीचे वाला छोटा है, इसे हम इसे लिखेंगे हाई न्यूमरेटर अपान लेस डिनोमिनेटर, ओके, इसी तरीके से इधर लेस न्यूमरेटर अपान हाई डिनोमिनेटर, ओके, इसका मतलब क्या, देखिए कौन सा मैथमेटिकली सही है। अगर मैं इस केस में बात करूं कि मान लो सपोज हमने कहा 2x2 और 4x4, मतलब छोटे छोटे के बटे में हो, बड़े बड़े के बटे में हो, तो इस केस में हमेशा एक बराबर एक हो सकता, बट अगर इसी केस में ऐसे हो कि हाई अपान लो और लो अपान हाई, क्या है कभी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, नहीं, इस केस में कभी बराबर नहीं हो सकते। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान लें कि इधर एफ नेट बेटा क्या है, जीरो है, ये तभी पॉसिबल है जब एफ टू बराबर एफ वन के हो, अगर मैं इधर मानता हूँ बेटा कि इधर एफ नेट की वैल्यू जीरो है, तभी हो सकता है जब एफ वन बराबर क्या हो, एफ टू हो, ये बेटा तभी पॉसिबल होगा जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लेस हों या दोनों हाई हों, तो उस केस में दोनों वैल्यू बराबर हो सकते हैं, बट अगर कभी भी ऐसे दिया है कि एक हाई और एक लो है, एक लो और एक हाई है, इस केस में कभी भी दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकते, और जब बराबर नहीं होंगे तो कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब देखने में ज़रूर ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ भी जीरो हो सकता है, बट इस केस में जीरो इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एफ वन और एफ टू कभी भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी नेट जीरो नहीं हो सकता, तो क्लियर है, बीच में जीरो था नहीं, यहाँ पर जीरो हो नहीं सकता, तो बचा कहाँ, लेफ्ट साइड में हुआ, मतलब कितनी पोजिशन बेटा आएगी, वन, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर नेचर सेम है तो दोनों बीच में कहीं होगा, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है तो मिड पॉइंट पर होगा, लेकिन अगर नेचर अपोजिट है तो हमेशा बाहर होगा लेकिन उसके पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम होगा। देखिए दोनों का नेचर अपोजिट था तो उसके पास इक्विलिब्रियम पाया जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, कम था, उधर की तरफ कभी भी आप इक्विलिब्रियम ले नहीं सकते। क्लियर हो गया, तो बेटा याद कर लीजिए कि कितनी थर्ड चार्ज की पोजीशन हो सकती है इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, तो वो कितनी होंगे बेटा, वन, यहाँ पर टू या थर्ड या फोर्थ नहीं हो सकता, तो क्लियर है आंसर कितना होगा बेटा, हमेशा वन, ओके, तो चलिए बेटा अब कुछ और एग्जांपल के जरिए और अच्छी बातें समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम्स, और बेसिक हमारा टॉपिक क्या है, कूलम्स ला के अप्लीकेशन, ओके, देखिए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, देखिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, अगर किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए
और डिस्प्लेस करने के बाद वो बॉडी वापस अपनी मीन पोजीशन पे लौट आती है, तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी को स्लाइडली डिस्प्लेस किया जाए और वो हमेशा के लिए मूव कर जाए, कभी वापस लौट के ना आए, तो इसे अनस्टेबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पेंडुलम, पेंडुलम को देखिए, आप क्या करते हैं, इसे हैंग कर दीजिए और इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दीजिए, तो वो जाता है और लौट के वापस आता है। इसका मतलब वो अपनी पोजीशन पे लौट रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर वो चला जाता है, कभी लौट के ना आता, तो वो बेटा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो पोजीशन हम बना रहे हैं, एक ए और ये आपके पास है बी। दोनों को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो अगर हम बात करें इसको, अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये नीचे गिरेगा, कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन बेटा होगी वो होगी अनस्टेबल, ओके। और अगर यहाँ की बात की जाए तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस गिराएगा, इसका मतलब बेटा ये कौन सी कंडीशन होगी, ये आपकी होगी स्टेबल, ओके। अब देखिए बेटा सीधे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछ रहे कि डायग्राम दे दें और सीधे आप देख लें डिस्प्लेस करके कि अगर बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तो वो आपके आपकी होगी अनस्टेबल, और अगर वो वापस लौट आती तो स्टेबल। क्या करना है, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अलोंग लाइन जॉइनिंग, ओके, अब देखिए ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। इक्विलिब्रियम हमें मालूम है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर सेम है, तो मिड पॉइंट पे होगा। मान लिया ये इक्विलिब्रियम है जिसको हमने न्यूट्रल पॉइंट नाम दिया, ठीक है, इसको मीन पोजीशन भी आप कह सकते हैं, ठीक। अब थर्ड चार्ज को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, ये देखिए हमने डिस्प्लेस कर दिया। मान लो सपोज कि कुछ डिस्टेंस पे हमने डिस्प्लेस किया, तो अब देखिए चलिए फोर्स बना लेते हैं। सबसे पहले फोर्स इसका देखते हैं, इस पे क्या होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट चार्ज होगा फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, तो ये फोर्स हमने बना लिया सपोज F1, और जो सेकंड वाला फोर्स लगाएगा बेटा इधर को बनाएगा, और ये आपका हो गया F2। अब देखिए हमने इसमें देखिए फोर्स बनाने के लेंथ में हमने चेंज किया, ये देखो ये फोर्स हमने छोटा बनाया, ये फोर्स हमने बड़ा बनाया। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो सेकंड वाला फोर्स होगा वो ज़्यादा फोर्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, और इसमें डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स क्या हो गया, कम। अब देखिए बेटा F2 इसमें ग्रेटर है, F1 कम है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा। इसका मतलब हुआ कि बॉडी वापस लौट आएगी मीन पोजीशन पे, मतलब ये कंडीशन कौन सी हो गई, वो हो गई स्टेबल। इस केस में क्या होगा, स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, चार्ज को अलॉन्ग द लाइन डिस्प्लेस किया। अगर हम देखते हैं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है, उस केस में देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, ओके। देखिए बेटा ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये फर्स्ट वाला चार्ज है बेटा, ये सेकंड है। अब मिड पॉइंट यही होगा क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट यही होगा, ये आपका मेन पोजीशन था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम चार्ज ले जाके रख देते हैं, जब यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको। तो साफ साफ नज़र आ गया कि पहले इसका सेकंड चार्ज का जो फोर्स होगा बेटा इधर को लगेगा, ये मान लिया F2, और इसका फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये F2, ये आपका F1 हो गया। तो नेट फोर्स जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ये नेट फोर्स हो गया। कभी ये चार्ज वापस लौट के आएगा अपनी मीन पोजीशन पर, कभी भी लौट के नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन बेटा जो होगी वो होगी अनस्टेबल। तो यहाँ पर रटने वाली चीज़ क्या है, बहुत आसान है कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं, जो थर्ड चार्ज है अगर उसे हम पॉजिटिव लेकर आते हैं तो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, लेकिन जब हम परपेंडिकुलर जाते हैं तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो अनस्टेबल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अनस्टेबल। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और पॉइंट को हम लिख देता हूँ। इफ थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, और जो दूसरा पॉइंट है आपका कि इफ थर्ड चार्ज इज नेगेटिव, ओके। चलिए अलोंग लाइन,
और दूसरा था अलोंग परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर अलोंग लाइन हम जा रहे थे पॉजिटिव था तो क्या मिला था बेटा, स्टेबल, और इस केस में हमें क्या मिला था, अनस्टेबल। इसी केस का बिल्कुल उल्टा यहाँ याद कर लीजिए कि अगर अलोंग लाइन आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अनस्टेबल, लेकिन कब, जब थर्ड चार्ज आपका क्या होगा, निगेटिव। ओके, और अगर दूसरी बात की जाए कि अगर हम परपेंडिकुलर जाते हैं अलोंग तो ये बेटा क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, अब देखिए बेटा स्टेबल और अनस्टेबल पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ में नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड चार्ज बॉडीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, और बताएँ कि इस चैनल पर आपको कम्प्लीट नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।